माँ दुर्गा आपकी हर इच्छा पूरी करें, खुशियों से आपका दामन भरें, परिवार के प्रेम मित्रों के स्नेह पाए, ये दुर्गा पूजा आपके लिए मंगलमयी हो जाए। दुर्गा पूजा को वास्तव रूप में शक्ति पाने की इच्छा से मनाया जाता है, जिससे विश्व की बुराइयों का अंत किया जा सके। जिस प्रकार देवी दुर्गा ने ब्रह्मा विष्णु और शंकर की शक्तियों को इकट्ठा कर दुष्ट राक्षस महिषासुर का नाश किया था और धर्म को बचाया था, उसी प्रकार हम अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करके मनुष्यता को बढ़ावा दे सकते हैं। दुर्गा पूजा का यही संदेश होता है। हर पर्व या त्योहार का मनुष्य के जीवन में अपना विशेष महत्व होता है, क्योंकि इससे न केवल विशेष प्रकार के आनंद की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में उत्साह एवं नई तरह की ऊर्जा का संचार भी होता है। दुर्गा पूजा भी एक ऐसा ही त्योहार है जो हमारे जीवन में उत्साह और ऊर्जा का संचार करने में अपनी बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मित्रों, आज हम जानते हैं नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी यानी कि आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के दूसरे दिन देवी के इसी रूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित हमारा नहीं होना चाहिए। अगर इससे जुड़ी कहानी पर नजर दिया जाए मित्रों, तो हम पाते हैं कि पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अथवा ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश में नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई 1000 वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम छिन्न हो गया। देवता ऋषि सिद्धगण मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है, यह आप ही से संभव थी। आप की मंगल कामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाएं, जल्द ही आपके पिता आपको बुलाने आ रहे हैं। तो यह थी कथा मित्रों माँ ब्रह्मचारिणी की, जो कि नवरात्रि के दूसरे दिन हम पूजा अर्चना करते हैं। चरण शरण में खड़े तुम्हारी लेकर पूजा के थाली, वरद हस्त पर रख दो जीवन माँ संकट हरने वाली।
दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं शुभकामनाएं देता हूं आप सबों को कि माँ ब्रह्मचारी हम सबों का कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ नरेंद्र कुमार के साथ बने रहने के लिए।